रात में सोने से पहले एक बार लगा लो, हमेशा के लिए बाल लंबे घने हो जाएंगे गारंटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो फॉर्मूला बताएंगे वो बहुत ही जल्दी जल्दी आपकी हेयर ग्रोथ को फास्ट कर देगा। अगर आपके बाल पतले हो रहे, थीन हो गए, या आपने कोई भी केमिकल यूज़ कर लिया या रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट कर लिए जिससे आपको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो गए, आपके बाल काफ़ी टूट रहे झड़ रहे, या आपको किसी भी तरीके से हेयरफॉल हो गया, या DHT आपकी मेंटेन ना होने की वजह से आपको हेयरफॉल हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, एंड का पार्ट बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसमें आपके लिए कुछ स्पेशल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बालों को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है वो होता है फेन्युग्रीक का पाउडर का यूज़ करना। दोस्तों, अगर आपको स्केल्प में डेंड्रफ जमा हो आती है या आपको खुजली आती है स्केल्प के अंदर, उससे भी आपको हेयरफॉल होते हैं, आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो आपके बाल सही नहीं होंगे। तो फेन्युग्रीक क्या करेगा, आपके बालों को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा, आपकी स्केल्प की क्लीनिंग करेगा। तो यहाँ पर आपको 10 ग्राम के करीब फेन्युग्रीक का पाउडर को लेना है। अब हमें इसके अंदर दूसरी चीज़ मिलाना है, वो है 10 ग्राम के करीब आंवला पाउडर। आंवला पाउडर हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। जिन लोगों के बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या आपके बाल काफ़ी थिन हो रहे हैं, तो उन बालों में जान डालने के लिए आंवला का पाउडर बहुत ही फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर आपको 10 ग्राम के करीब आंवला का पाउडर को फेन्युग्रीक पाउडर में मिला देना है। अब हमें इसके अंदर लास्ट चीज़ मिलाना है, वो है 2 स्पून यानी 2 चम्मच के करीब आपको कस्टर्ड ऑयल मिला देना है इन दोनों चीज़ों के अंदर। दोनों तीनों चीज़ों को जब आप मिक्स करोगे तो बिल्कुल अच्छा से ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। अगर आपको कस्टर्ड ऑयल कम लग रहा हो तो 1 चम्मच और ऐड कर लेना। कस्टर्ड ऑयल के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों के बाल बहुत ही थिन हो गए या बाल बढ़ते नहीं हैं, उन बालों में काफ़ी नमी लाने के लिए कस्टर्ड ऑयल बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन कस्टर्ड ऑयल बहुत ही स्टिकी होता है, तो जब भी आप कस्टर्ड ऑयल का यूज़ करो तब शैम्पू के पहले ही इसको यूज़ करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस रेमेडी को किस तरीके से यूज़ करना है। तो आपको नहाने से 1 घंटे पहले सुपर हेयर ग्रोथ मास्क को आपको कम से कम 1 घंटे पहले लगा लेना, नहाने से पहले पूरे बालों पर लगाना है और स्केल्प पर भी इसको लगाए रखना है, और 1 घंटे बाद आपको शैम्पू कर लेना है। चाहो तो आप लास्ट में कंडीशनर भी कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इसको कब कब यूज़ करना है। तो आप इसको 1 दिन छोड़ के भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बाल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, या आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, या आपके बाल काफ़ी थिन है, पतले हैं, ड्राई है, डैमेज है, तो इस तरीके से आप 1 दिन छोड़ के इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो को जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।